आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इंडियन माइनिंग एग्जामिनेशन की अपडेट्स सबसे तेज मिलती रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट, ICMR, NDMA के बाद अब DGMS ने भी अभी एक एडवाइजरी जारी की है रिगार्डिंग COVID-19 यानी कोरोना वायरस। यह जानकारी सभी खनन कर्मियों के लिए जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो हमेशा की तरह देर न करते हुए चलिए कुछ नया सीखते हैं। DGMS ने अभी एक लेटर जारी किया है सभी कंसर्न माइंस के एजेंट, ओनर और मैनेजर को, जिसमें कहा गया है कि कोयला व खनिज का उत्पादन करना वर्तमान परिस्थितियों में देश को चलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि खान में काम करने वाले वर्कर्स, ऑफिशियल्स व अन्य खनन कार्य से जुड़े लोग उचित सावधानियां लें ताकि वे संक्रमण का शिकार ना हो, ना ही कोरोना वायरस फैलाने का माध्यम बने। DGMS ने कहा है कि सभी कोई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट, ICMR, NDMA द्वारा जारी किए गए एडवाइजरी का पालन करें। इसी संबंध में DGMS ने खान में काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें उन्होंने कुल 9 बातें बताई हैं। चलिए इन 9 बातों को एक एक करके जान लेते हैं। पहला, कार्यस्थल की सफाई व समय समय पर सैनिटाइजन करना तथा समय समय पर साबुन, हैंड सैनिटाइजर, रनिंग वाटर या अन्य व्यवस्था की सप्लाई करना। दूसरा, वे सभी माइनिंग ऑपरेशन जिसमें लोग समूह में नज़दीक नज़दीक काम करते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग करना संभव नहीं है, वे सभी बंद किए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अंडरग्राउंड फेस वर्किंग, लोडिंग, मैनुअल ड्रिलिंग, सपोर्ट का काम नहीं किए जाएंगे। तीसरी बात है, केज व मैन राइडिंग में एक समय में उतने ही व्यक्ति सवार होंगे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स सुनिश्चित हो सकें। चौथी बात है, सिर्फ मैकेनाइज्ड अंडरग्राउंड और मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस जहां वर्कर नज़दीक नज़दीक काम नहीं करते हैं, वे ही कंटिन्यू किए जाएंगे। पाँचवीं बात है, COVID-19 के संबंध में खान के मैनेजर SOP तैयार करेंगे जिसमें COVID-19 से संबंधित सावधानियाँ वर्णित होंगी, जिसे खान के कर्मचारी पालन करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस SOP का खान के कर्मचारियों के बीच प्रचार व प्रसार हो। छठी बात उन्होंने कहा है कि सभी वर्कर्स व ऑफिशियल्स को सैनिटाइजर, मास्क व अन्य PPE वायरस से सुरक्षा के लिए फ्री में मुहैया करवाए जाएं। सातवीं बात है, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सुरक्षा के स्तर में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। आठवीं बात है, लोगों को सिर्फ वहाँ नियोजित किया जाएगा जहाँ क्वालिफाइड स्टैचुअरी सुपरविजन मौजूद हो, ताकि खान के कर्मियों की हेल्थ व सेफ्टी पर कोई भी खतरा ना आए। नौवीं बात है, इन सभी के अलावा माइंस एक्ट 1952 व इसके अधीन रूल्स, रेगुलेशंस एंड बायलॉज के प्रावधान स्ट्रिक्टली लागू होंगे। अंत में उन्होंने यह भी कहा है कि खान के कर्मी अपनी स्वास्थ्य की देखरेख खुद करें। अगर कभी श्वसनीय लक्षण, बुखार वगैरह मिलते हैं तो तुरंत कार्यस्थल को छोड़कर इसकी सूचना अपने ऑफिसर या कंट्रोलिंग अथॉरिटी को दें। ऐसे कंट्रोलिंग अथॉरिटी या ऑफिसर्स जरूरी मेडिकल जांच व इलाज की व्यवस्था करेंगे। तो ये हुआ आज का कम्प्लीट वीडियो, जो कि बेस्ड था DGMS द्वारा जारी किए गए कोरोना वायरस के अगेंस्ट एडवाइजरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी थॉट है, डाउट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन, एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।